मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अनंत सिंह आज आप लोगों को अर्थात कक्षा 7 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक जो वसंत भाग 2 है उसमें पाठ नंबर 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मिठाई वाला पाठ बड़ा मजेदार है और इसमें लेखक इनके भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो ये इस मिठाई वाले शिक्षक ने इस माध्यम से एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डाले हैं जो असमय में ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो गया है। अपने निराश भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह मिठाई वाला तो कभी मुरली वाला तो कभी खिलौने वाला बनकर गांव में बच्चों के बीच जाकर उनको मनपसंद गीत भी गाता है। तो बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव इससे झलकता है, इस पाठ में देखा गया है, और उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है तो उसे बहुत संतोष होता है और उसे प्रसन्नता तथा खुशी की अनुभव होती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब दुख में डूब जाता है तो उसके दुख को बांटने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही कहा है कि किसी भी व्यक्ति के दुख को बांटना ही मनुष्यता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है मुख्य पात्रों में एक रोहिणी है नाम की एक महिला, उस गांव में जहाँ जाता है मिठाई वाला बेचने के लिए खिलौने, और विजय बाबू उसके पति देव हैं, ये मुख्य पात्र हैं। इसी के बीच ये कहानी चलती है। ये जाता है मिठाई वाले मधुर ध्वनि में गीत सुनाता है, बच्चों को कम दामों में खिलौने मिठाई देता है, कभी मुरली बेचता है। इस पर लोगों को विशेष रूप से चिंता होती है कि इतने कम दाम में क्यों यह देता है, इसे क्या फायदा होता होगा। तो इस बात को इसमें बताया गया है। कभी कभी उस मिठाई वाले को दुख होती है इस बात से कि लोग कहते हैं कि सब बेचने वाले ऐसे ही होते हैं, 3 पैसे की चीज़ बोलकर 2 पैसे में कहते हैं लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है, जबकि वह ऐसा ही करता है अपनी खुशी के लिए। इस बात को सुनकर उसे दुख होता है। तो आइए इस पर कुछ प्रश्न है जो हम लोग देखें। जैसा कि रोहिणी मैंने नाम बताया इस पाठ में, रोहिणी एक महिला है जिसके बच्चे उस मिठाई वाले से ज्यादा लगाव रखते हैं। तो रोहिणी ने दादी को मिठाई वाले को बुलाने के लिए क्यों कहा, क्यों रोहिणी ने कहा जबकि वो आता था? व्यक्तिगत रूप से ये बोलती है। तो मिठाई वाले की मधुर ध्वनि से परिचित होने के कारण रोहिणी ने मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि वो हमेशा आता था, कभी 1 महीना बाद आता, कभी 10 दिन बाद आता था। साथ ही रोहिणी के मन में यह जानने की इच्छा थी कि बार बार अलग अलग चीजें क्यों बेचता है, वह एक ही चीज क्यों नहीं बेचता है, सिर्फ बच्चों के लिए ही क्यों सामान लाता है और सामान क्यों नहीं लाता है, ये जानना जरूरी था रोहिणी को, इसीलिए उसने मिठाई वाले को बुलाया। दूसरा प्रश्न जैसे है कि मिठाई वाला हर बार बच्चों के लिए ही सामान क्यों लाता है? तो मिठाई वाले किसी हादसे में अपने बच्चों को खो चुका था, उसे इन गली मोहल्लों में बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती थी। वह इन बच्चों में जब दिखता था तो उसे महसूस होता था कि इसमें मेरे बच्चों की खुशी दिखाई दे रही है, और वह बच्चों को सदा खुश देखना भी चाहता था, और इसी खुशी के लिए वह बार बार आता था और हमेशा बच्चों के लिए ही बच्चों का ही सामान बेचने के लिए आता था। इसके बाद जैसे अभी आपसे मैंने बताया कि इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो संदेश इसका है जो कि मैंने अभी बताया, किसी दुख जब किसी के पास दुख बढ़ जाता है तो उसे बांटना चाहिए एक दूसरे को मिलकर के, यही मनुष्यता है। जैसा कि रोहिणी ने मिठाई वाले को दुख की कहानी सुनकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, इसी तरह से यह भी कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो लेखक यह दर्शाना चाहता है कि दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए।
उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जैसा कि मिठाई वाले की पत्नी बच्चों का हादसे में गुजर जाना, कारोबार सब कुछ गंवा देना, तो छोटी छोटी वस्तुओं को वो लेकर के गांव में बेचने के लिए आता है अपने पेट भरने के लिए। वह छोटे खिलौने, कभी मुरली कभी मिठाई, तो मन में जो उसके दुख के आंसू बहते हैं वो बच्चों के चेहरे को देख करके दूर हो जाते हैं। इसीलिए वह इस संतोष को पाने के लिए हमेशा बच्चों का सामान लेकर के बच्चों के बीच में आता है और उसे देख करके खुश रहता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मिठाई वाले शीर्षक पाठ के अंतर्गत हमें किस तरह की बातों को सुनने के लिए मिला, क्या समझे आपने? इसके बाद शब्दार्थ में भी है, जैसे अनाम लंबित घुटने तक लंबित, दस्तूर नियम सफा सिर पर बांधने वाला वस्त्र, मादक मन को भाने वाला, इसी तरह अंतर्व्यापी बीच में स्थित अप्रति उदास जाय केदार का अर्थ नजेता। तो इसके प्रश्न के उत्तर को भी आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।